हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई कप मतलब सूखी खांसी को ट्रीट करने के काम में आने वाली एक मेडिसिन टस्क्यूडीएक्स सिरप के बारे में, और डिटेल में जानेंगे इस सिरप का कंपोजिशन क्या है, इसके यूजेस के बारे में, और साथ ही बात करेंगे टस्क्यूडीएक्स सिरप के डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टस्क्यूडीएक्स सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इस सिरप के नाम के आगे डीएक्स वर्ड लगा हुआ है। ये इंडिकेट करता है डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड को। इस सिरप में डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड का यूज ड्राई कफ, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सूखी खांसी कहते हैं, से ट्रीट करने के लिए किया गया है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि जिस भी कफ सिरप में डीएक्स वर्ड लगा होगा, उसका यूज सूखी खांसी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इस सिरप में डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड 15 mg, क्लोरफिनरामाइन मैलेट 2 mg, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CPM भी कहा जाता है, और फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg का यूज किया गया है। इस सिरप में सेकेंड मेडिसिन क्लोरफिनरामाइन मैलेट है। ये एक तरह का एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। इसका यूज सर्दी, रनी नोज मतलब नाक से पानी आना, और एलर्जी की कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इस सिरप में थर्ड मेडिसिन फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है। ये एक तरह का नेजल डीकंजेस्टेंट मेडिसिन है, मतलब नाक और गले में होने वाली खराश और जकड़न को कम करने वाली दवा। इसका यूज और भी कई तरह की प्रॉब्लम जैसे एलर्जी, कॉमन कोल्ड और ब्रोंकाइटिस मतलब फेफड़ों और श्वास नली में होने वाली सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो इस सिरप में वैसी सभी दवाएं मौजूद हैं जो सूखी खांसी, गले में खराश, सर्दी और इस तरह की सभी समस्याओं को ठीक करने का काम करती हैं। दोस्तों, अभी तक तो हमने जाना टस्क्यूडीएक्स सिरप के कंपोजिशन और इसके यूजेस के बारे में। आइए बात करते हैं इस सिरप के डोज के बारे में कि किस उम्र के व्यक्ति को टस्क्यूडीएक्स सिरप की कितनी ml क्वांटिटी दिन में कितनी बार लेनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिरप में डोज मेजरमेंट के लिए एक कैप लगी हुई है, जिसमें 2.5 ml, 5 ml और 10 ml की मार्किंग बनी हुई है। और इस सिरप की रिकमेंडेड डोज 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 2.5 ml से लेकर 5 ml तक दिन में 2 या 3 बार, और 18 साल से ऊपर यानी कि एडल्ट व्यक्ति को 5 ml से लेकर 10 ml तक दिन में 3 बार खांसी आने की कंडीशन में लेनी होती है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे इस सिरप से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, और इस दवा को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर बात करें इस सिरप से होने वाले साइड इफेक्ट की, तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी लोगों में इस सिरप का कोई साइड इफेक्ट दिखे। लेकिन अगर किसी को डेक्सट्रोमेथॉर्फन, क्लोरफेनरामाइन मैलेट या फेनिलेफ्रिन से किसी तरह की एलर्जी है, तो उस व्यक्ति में कुछ कॉमन साइड इफेक्ट दिख सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द, सर दर्द, भूख कम लगना, दिल की धड़कन का एबनॉर्मल होना, सांस लेने में तकलीफ, डायरिया, उल्टी और चक्कर आना। अगर इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट का सिम्टम दिखाई दे, तो तुरंत दवा का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी और लीवर संबंधित बीमारी है, या जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान टस्क्यूडीएक्स सिरप को बगैर अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की कंसल्टिंग के बिना इस्तेमाल ना करें, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान और किडनी की बीमारी वाले मरीजों को इस दवा से नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस सिरप की मार्केटिंग ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज करती है, और इस 100 ml पैक के सिरप की कीमत लगभग 80 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।